मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र न जाने कितनी ईश्वरीय प्रेरणाओं को प्रदान करने का मंत्र है और न जाने कितने देवीय उपहारों को प्रदान करने का मंत्र है, पर उन सारे ईश्वरीय उपहारों में, देवी प्रेरणाओं में यदि कोई सबसे ज़्यादा कीमती उपहार हो सकता है तो वो आत्मविश्वास का हो सकता है। और गायत्री का मंत्र जो शक्ति हर व्यक्ति को, हर साधक को, हर मनुष्य को प्रदान करता है, वो यही प्रदान करता है कि वो उसके हृदय में आत्मविश्वास का ऐसा बल पैदा करता है जिसके आधार पर व्यक्ति दुनिया के किसी भी कार्य को कर पाने की सामर्थ्य अपने भीतर पैदा कर पाता है। आप यदि इस दृष्टि से सोचें कि कोई व्यक्ति अकेली राह पर चलता हो और कहीं से उसके साथ पुलिस की एक टुकड़ी आ जाए, उसके साथ उसके सहयोगियों का एक दल आ जाए, तो व्यक्ति के हृदय में निर्भयता, निडरता, निश्चिंतता अपने आप आ जाते हैं। अंधेरी राह पर व्यक्ति चलता हो और दूर से टिमटिमाता दिया दिख जाए, बल्ब चमकता दिख जाए, तो व्यक्ति के कदमों में भरोसा आ जाता है। छोटा सा बच्चा घूमता हो, उसको तो माँ बाप की उंगली ही पकड़ में आ जाती है, तो मन में व्यक्ति निर्भयता को, बच्चा निश्चिंतता को लेकर के बैठ जाता है। और हमारे हाथ में तो गुरुदेव की उंगली आ गई, हमारे हाथ में तो महाकाल की, माँ गायत्री की, पूज्य गुरुदेव की और वंदनीय माता जी की उंगली मिली, तो जो निर्भयता, निडरता, निश्चिंतता उसके साथ मिलती है वो दुनिया की कोई और शक्ति प्रदान कर नहीं सकती। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा उपहार हो सकता है तो वो आत्मविश्वास का ही हो सकता है। जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है वही ईश्वर पर कर पाता है, और जिसको ईश्वर पर होता है वही अपने ऊपर कर पाता है, और जो ईश्वर पर और अपने ऊपर कर पाता है उसी के ऊपर दुनिया भरोसा कर पाती है। जिसको अपनी टीचिंग के ऊपर भरोसा ना हो उस टीचर के पास पढ़ने कौन जाने वाला है, जिस डॉक्टर को अपनी सर्जरी के ऊपर भरोसा ना हो उसकी ऑपरेशन टेबल पर कौन लेटने वाला है, जिस ड्राइवर को अपनी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं हो उसकी गाड़ी में कोई चढ़ने वाला नहीं है। तो जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है वही ईश्वर के ऊपर कर पाता है, और जिसको ईश्वर के ऊपर होता है वो अपने ऊपर और उसके ऊपर जगत भरोसा कर पाता है। एक कथा आती है बड़ी प्यारी, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण सीता जी को ढूंढने के लिए निकले तो मार्ग में नदी पड़ी और दोनों स्नान करने के लिए अंदर उतरे, धनुष था दोनों के हाथ में, नदी के किनारे जो रेत थी उसमें गड़ाया, अंदर उतर गए, स्नान करके बाहर निकले। बाहर निकले तो भगवान ने देखा कि उनका जो धनुष है उसका जो किनारा है, कोना है, जो नोक है, उसमें से खून बह रहा है। उनने ध्यान से देखा तो देखा वहाँ एक मेंढक है, वो दब गया। भगवान ने उसको सहलाया, ठीक हुआ वो। भगवान ने कहा कि अरे भाई, जब मैं धनुष को गाड़ रहा था और तुम्हें लग रहा था उस समय में तुम क्यों नहीं बोले? मेंढक बोला कि भगवान, सांप पकड़ने के लिए आता है तो राम राम चिल्लाता हूँ, भगवान राम का ही धनुष लग रहा था तो अपना सौभाग्य समझ करके बैठा रहा। उसे लगा कि जब भगवान स्वयं ही आ रहे हैं तो अन्य किसके पास जाऊँगा। तो भगवान ने कहा, जिसको भगवान के ऊपर भरोसा होता है उसको सबके ऊपर भरोसा होता है, और वही शक्ति जो हमारे हृदय में उस भरोसे को जन्म देती है, उस माँ गायत्री से, पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में निडरता, निश्चिंतता, निर्भयता और आत्मविश्वास को पैदा करें, इस भाव के साथ कि वो गुण हमारे जीवन का, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन रहे हैं। एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओ सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का
अत्यंत ही पावन दिन एक बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए आज शांति कुंज के इस दिव्य क्षेत्र में रामकृष्ण परमहंस हॉल के अंदर हम लोग उपस्थित हैं। तो इस पुनर्बोध शिविर के बड़े ही दिव्य और पुनीत अवसर पर यहाँ उपस्थित शांति कुंज के सभी सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित भारत के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, मित्रों आज का जो दिन है वो बड़े ही दिव्य संकल्प को और महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर के आया है। पुनर्बोध शिविर के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। यदि हम लोग इस थोड़ी देर की बातचीत में ये सोचना चाहें कि हम लोगों को यहाँ से ऐसा कौन सा केंद्रीय संदेश लेकर के जाने की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि जो गुरुदेव के वंदनीय माताजी के जीवन का केंद्रीय उद्देश्य रहा उसकी ओर हमें थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। इस धरती पर न जाने कितने तरह की आत्माओं का आगमन होता है और उनमें कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको हम उच्च कोटि की कह करके पुकारते हैं। शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो शास्त्र कहते हैं कि चार तरह की आत्माओं का आगमन इस धरती पर होता है। उसमें जो बिल्कुल उच्च कोटि की हैं वो पवित्र प्रकाश से भरी हुई पूरी तरह से दिव्य ऐसी आत्माएं होती हैं, व्यक्तित्व के अंदर अंधकार का, क्लेश का, कपट का, कर्म के किसी भी संस्कार का जरा सा भी अंश नहीं होता, उनके जीवन का ऐसा कोई कर्म नहीं होता जो उनको पृथ्वी से बांधता। उसके नीचे की स्तर की आत्माएं वो हैं जो पवित्र तो हैं पर उनके जो पूर्व कृत कर्म हैं वो उनको धरती पर आने के लिए बाध्य करते हैं। उनके जो कर्म हैं, संस्कार हैं, वो उनको अपने आप धरती पर खींच करके आ जाते हैं। जिस स्थान पर हम लोग विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं, इससे ऊपर के जो लोग हैं, भूः भुवः स्वः, जहाँ तक भगवान यम का शासन है, जहाँ पर मृत्यु देव का शासन है, वहाँ तक की आत्माएं तो वो हैं जिनको उनके कर्म के कारण, संस्कार के कारण आने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसके ऊपर के जो लोग हैं जिनको हम मह, जनह, तपह, सत्य और ध्रुव लोग कह करके पुकारते हैं, जहाँ पर तपस्वियों का, सिद्ध संत महात्माओं का, उच्च कोटि के अवतारों का निवास होता है, जहाँ से परम पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का अवतरण हुआ, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ से यमदेव का शासन वहाँ चलता नहीं, वहाँ से किसी आत्मा को आने के लिए बाध्य किया नहीं जा सकता। वहाँ से यदि कोई आत्मा इस धरती पर आती है तो उसके आने के कारण दो ही तीन होते हैं, या तो उनका अपना संकल्प, वो संकल्प लें कि मुझे धरती पर जाने की और किसी व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है, या फिर देव शक्तियाँ, ऋषि सत्ताएँ जाकर के उनसे अनुरोध करें और कहें कि आप जैसी आत्मा की आवश्यकता भी धरती पर है, आप चलिए और धरती का उद्धार करिए, या फिर कोई ईश्वरीय संकल्प हो, ईश्वरीय आदेश। इसके अलावा चौथा कारण उनके स्तर की आत्माओं को धरती पर बुलाने का होता नहीं, पर जब वो आते हैं तो उनके आने की व्यवस्था उनके आने के लगभग 600, 700, 800 साल पहले से शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यदि वो आए और उनके सहयोगियों में से सभी पाप कर्म को लेकर के आए तो उनका पूरा का पूरा जो जीवन है और जो ऊर्जा है वो उन्हीं के कर्मों को ढोने में चली जाएगी। जिस उद्देश्य को वो लेकर के आए हैं उसको पूरा कर पाना संभव नहीं हो सकेगा। तो इसलिए व्यवस्था इस तरह से बनाई जाती है कि जब वो आए तो उनके आने के साथ साथ जो सहयोगी आए हैं, उनके साथ साथ कर्म करने वाले जो लोग आए, उनके जीवन का भी वो क्षण चल रहा हो जहाँ पर वो भगवान के सहयोगी बन सके। और यदि उस स्तर की आत्माएं इस धरती पर आती हैं तो जब हम पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को, उनके स्तर की ईश्वर कोटि की आत्माओं को धरती पर आता देखते हैं तो इतना स्पष्ट महसूस कर सकते हैं कि वैसी आत्माएं इस धरती पर आती तभी हैं जब मानवता अपने को विवश और असहाय पाती है। अधर्म के क्षणों में धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, पीड़ित मानवता का उद्धार करने के लिए, दुखियों के दुख को दूर करने के लिए, भटके हुओं को दिशा दिखाने के लिए, इस धरती के असंतुलन को दूर करने के लिए और समाज को नई दिशा दिखाने के लिए उनके स्तर की आत्माएं धरती पर आती हैं। और जब आती हैं तो अपने जीवन का एक केंद्रीय संदेश सुना करके जाती हैं। भगवान बुद्ध धरती पर आए, न जाने उनने कितनी अन्य योजनाओं को जन्म दिया, अभिनिष्क्रमण किया, निर्वाण को प्राप्त किया, बुद्धत्व के शिखर को छुआ, सम्यक धर्म की शिक्षाओं को दिया, पर जो जीवन का केंद्रीय संदेश था वो धर्म चक्र का प्रवर्तन था। वो धरती पर आए
धर्म चक्र के प्रवर्तन के संदेश को लेकर के आए। आचार्य शंकर आए संस्कृति के नवोन्मेष को लेकर के आए। और यदि हम उस दृष्टि से गुरुदेव माता जी के जीवन का मूल्यांकन करके देखें, उसको एक बार इस दृष्टि से तौल करके देखें, तो हम पाएंगे कि यदि गुरुदेव के जीवन का केंद्रीय संदेश था तो एक ही था, जिसको अभी हम गीत के माध्यम से सुन रहे थे, नवयुग की वापसी का संदेश, सत्युग की वापसी का संदेश, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य के उद्घोष का संदेश, युग परिवर्तन का संदेश। वो संदेश था जहाँ पर एक व्यक्ति के हृदय में कहीं पर ये उत्साह आता है कि जो अंधकार की घड़ियाँ हैं इनका अंत होने वाला है, ये हमेशा के लिए असुरता चलने वाली नहीं है, और इसके ऊपर देवत्व का आघात यदि आज सुबह नहीं हो रहा तो शायद कल की दोपहर को होने वाला है। और वो विश्वास जो गुरुदेव का जीवन, वंदनीय माता जी का जीवन हर उस व्यक्ति के हृदय में जगा करके जाता है जिसके हृदय में भगवान से जुड़ने की अभीप्सा है, उस संदेश के संकल्प की ज्योति को मुझे लगता है कि आज की तारीख में हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है, उसे स्मरण दिलाने की आवश्यकता है कि जो गुरुदेव के जीवन का केंद्रीय संदेश था, जो उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था, जो एकमात्र लक्ष्य था, वो यही था कि पीड़ित मानवता को हम ये बता सकें कि जो आज का समय है, आज का समाज है, वो भगवान को स्वीकार नहीं है और भगवान उसको बदलने जा रहे हैं। और उसको बदलने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था का नाम ही गायत्री परिवार है। हम लोग यदि गुरुदेव की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो न जाने गुरुदेव के जीवन में, उनके व्यक्तित्व में, कृतित्व में अपने को कितने आयाम देखने को मिलते हैं, संत के रूप में, सुधारक के रूप में, चिंतक के रूप में, दृष्टि के रूप में, न जाने ऐसे कितने गुरुदेव के जीवन के आयाम हैं जिनको आप असाधारण से कम स्तर का करके आंक नहीं सकते। व्यक्तित्व की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव के बराबर व्यक्तित्व आने वाले हजार वर्षों के अंदर धरती पर दोबारा पैदा होने वाला है। आप यदि सिर्फ महापुरुषों से ही, करना तो उचित नहीं है, पर यदि महापुरुषों से ही तुलना करके देखें तो महर्षि अरविंद को जो करना था वो करने के लिए उनको 40 साल एक कोठरी में गुजारने पड़े। विवेकानंद करने के लिए समाज के अंदर उतरे तो उनको शरीर जल्दी त्यागना पड़ा। रमण महर्षि गुफा से बाहर नहीं निकले। यदि उस स्थिति में गुरुदेव के जीवन का मूल्यांकन करें, साधना की दृष्टि से शिखर पर पहुँचना, लेखन की दृष्टि से इतना लिखना कि अभी हमने सिर्फ गुरुदेव की लिखी गई किताबों के QR कोड उसकी किताब छापी है तो उसका वजन 2.5 किलो है। आप सोच के देख लीजिए, जो असली साहित्य है उसकी तो न जाने क्या संख्या होगी, सिर्फ गुरुदेव की लिखी गई किताबों का जो QR कोड है उसका वजन 2.5 किलो है। तो लिखने की दृष्टि से गुरुदेव ने इतना लिखा, संस्कृति की पुनर्स्थापना की दृष्टि से न जाने कितना किया, गंगा को, गीता को, गायत्री को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय चिंतन को, भारतीय अध्यात्म को लोगों के घर घर तक पहुंचाने का जो काम गुरुदेव ने किया, उस दृष्टि से देखें तो गुरुदेव का कृतित्व एक अद्भुत वैविध्य को लेकर के आता है, न जाने कितनी विविधता को लेकर, कितनी प्रचुरता को, कितने बाहुल्य को लेकर के आता है। और उन सारे संदेशों के भीतर जो एक महत्वपूर्ण संदेश है वो गुरुदेव का युग परिवर्तन का संदेश। कोई पूछ करके देखे कि इस युग परिवर्तन के संदेश का अर्थ क्या है, तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, एक ही बात के चार लोगों के लिए अर्थ भिन्न भिन्न निकल जाते हैं। कथा आती है कहीं पर कि एक जगह पर स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे, देते देते उनने कहा कि रात को 12 बजे इतना कहना था कि हार्ट अटैक हुआ और प्राण त्याग गए। अब वो जो प्रवचन सभा के लोग थे, सुन रहे थे, सब अपने अपने घरों को जाने लगे। जाते जाते हर एक के मन में ये प्रश्न उभर रहा था कि स्वामी जी क्या कहना चाहते होंगे। उसमें एक चोर बैठा था, चोर को लगा कि शायद ये कहना चाहते होंगे कि रात को 12 बजे चोरी करनी चाहिए, चोरी करने का सबसे सही समय है, कोई उस समय पुलिस वाला होता नहीं है और घर वाले भी सो रहे होते हैं, कौन देखता है, बोले रात को 12 बजे चोरी करनी चाहिए। एक वहाँ पर व्यापारी बैठा था, उसको लगा कि शायद ये कहना चाहते होंगे कि रात को 12 बजे काला बाजारी करनी चाहिए, कौन देखता है, उस समय मिला करके सामान रख लो, कोई देखने वाला नहीं है, जितना सामान है वो रख लो अपने गोदाम के अंदर। गणिका बैठी थी, उसको लगा कि शायद ये कहना चाहते होंगे कि रात को 12 बजे हमें हमारा कार्य करने के लिए सबसे अच्छा समय है। एक योगी भी बैठा था, योगी ने कहा जरूर ये कहना चाहते होंगे कि रात को 12 बजे ध्यान करने के लिए उपयुक्त समय होता है। बोले उस समय में कोई व्यवधान होता नहीं, कोई आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं, आप स्थिर चित्त होकर भगवान का, ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। बात वही है, पर हर व्यक्ति की मनोभूमि के अनुसार उसके अर्थ भिन्न हो जाते हैं। जो लोग सो रहे हैं उनके लिए युग परिवर्तन का कोई अर्थ नहीं,
जो कुंभकर्ण की तरह से तान करके पहले सो रहे थे, आज सो रहे हैं, 6 महीने बाद सोते रहेंगे, उनके लिए इस घटना का, इस बात का, इस क्रांति का, इस युग संधि का, इस युग परिवर्तन का, गुरुदेव की बातों का कोई मूल्य नहीं। पर जो लोग जागृत हैं, जो लोग जीवंत हैं, जो मूर्धन्य हैं, जो आपकी तरह के हैं, जिनको गुरुदेव ने अपने घोंसले के अंदर सुरक्षित रखा, जिनको गुरुदेव ने अपना अंग अवयव कहकर के पुकारा, मैं कहूँगा दोस्तों, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को स्मरण करने की आवश्यकता है कि युग परिवर्तन का समय और कुछ नहीं, हम में से प्रत्येक के लिए भगवान के द्वारा भेजा गया व्यक्तिगत आमंत्रण है, पर्सनल इन्विटेशन है। हम में से हर व्यक्ति को ये सोचने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने हमको एक एक करके बुलाया और ये बताया कि इस कठिन समय में आपको आगे जाकर समाज को बदलने की आवश्यकता है। इनविटेशन न जाने कितने तरह के होते हैं, लोग सर्कुलर भेजते हैं, सरकार कहती है कि देखिए कल 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, आपको वहाँ आने की आवश्यकता है, पर वो व्यक्तिगत आमंत्रण नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए तो सरकार बुरा मान जाएगी, वो कहती है कि आप आइए, इंस्टीट्यूशन नोटिफिकेशन भेजते हैं, आप आएंगे तो आपकी अटेंडेंस लगेगी, अटेंडेंस लगेगी तो आपकी पे बनेगी, आप आना चाहो तो आओ, मत आना चाहो मत आओ, वो इंस्टीट्यूशन नोटिफिकेशन भेजते हैं। कुछ इनविटेशन है जो आपको बाय पोस्ट मिलते हैं, लोगों ने भेजा पर इस आशय के साथ भेजा कि वो चाहते हैं कि आप आए, पर यदि आप नहीं गए तो उनके हृदय पर चोट पहुंचने वाली नहीं, वो एक इन्फॉर्मेशन है। वो इस आशय के साथ आई है कि उनकी अपेक्षा है कि आप आइए, पर वो आग्रह अनुरोध और अनुनय नहीं है। कुछ लोग आग्रह और अनुरोध करते हैं, जो व्यक्तिगत आमंत्रण होते हैं उसमें अनुनय की जाती है, उसमें कहा जाता है कि आप आइए, नहीं आएंगे तो हमको बुरा लग जाएगा। हम ये सोचें कि गुरुदेव हमसे कह रहे हैं कि युग परिवर्तन का समय आ गया है, आप आइए, नहीं आएंगे तो गुरुदेव को थोड़ा बुरा लग जाएगा। ये कहा जा रहा है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति से आशा है कि कठिन समय तो आ गया, अब ऐसे समय में हम लोग वहाँ जाकर के खड़े होते हैं, लाठी लगाते हैं कि नहीं लगाते अलग बात, पर गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा तुमसे इतनी आशा तो थी कि तुम इस कठिन समय में आओगे और हमारे साथ खड़े होगे। मुझे याद है कि एक बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, वो गुरुदेव से, एक व्यक्ति था, उसने ना समझ उसने गुरुदेव के ऊपर हमला किया, 84 की घटना है, और एक पुराने कार्यकर्ता थे, उनके हृदय में कोई बात लग गई थी, छोड़ के चले गए थे। तो जब गुरुदेव के ऊपर हमला हुआ तो मिलने के लिए आए तो जब मिलने के लिए गए और गुरुदेव को उनने पैर छुए तो गुरुदेव बोले कि बेटा तुझसे मिलने के लिए यदि मुझे चाकू भी खाना पड़ेगा तो चाकू खाऊंगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि इतनी आशा तो थी कि आप लोग आओगे, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि यदि हम नहीं गए तो गुरुदेव को थोड़ा मन में बुरा लगेगा, क्योंकि इन लोगों से ज़्यादा आशाएँ थी। हम लोगों से जाकर के बोले कि दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है, हम लोग तो व्यक्तिगत आमंत्रण लेकर के आए, हम लोग पर्सनल इनविटेशन लेकर के आए हैं कि गुरुदेव ने कहा है, महाकाल ने कहा है, माँ गायत्री ने कहा है, ईश्वर ने कहा है, परमात्मा ने कहा है, भगवान ने कहा है, और इस आशा के साथ कहा है कि यदि आप नहीं आए तो थोड़ा बुरा लग जाएगा, क्योंकि भगवान रोज़ रोज़ पुकारते नहीं, भगवान एक युग में एक बार पुकारते हैं, और जब पुकारते हैं तो कोई बड़े काम के लिए नहीं पुकारते। ग्वाल बालों को तो लाठी लगाने के लिए पुकारा था, रीछ वानरों को पत्थर उछालने के लिए पुकारा था, बड़े काम नहीं थे। इनमें से कोई काम ऐसा नहीं था कि यूं कहा हो कि आप लोग जाकर के हिमालय को खड़ा कर दो, कोई काम बड़ा नहीं था, पर जो कर पाने का साहस दिखा सके वो भगवान की सूची में निहाल हो गए। व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि आपके पास कर पाने का साहस है कि नहीं। 86 की अखंड ज्योति में गुरुदेव ने लिखा कि ये जो प्रलयंकारी परिस्थितियाँ आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं, अभी भी आप पढ़ें तो एकदम रोम रोम सिहर जाता है। गुरुदेव ने कहा प्रलयंकारी परिस्थितियाँ आने वाली हैं, घटाएँ घटने वाली हैं, ऐसे में ऐसा लगेगा कि धरती कांपेगी, अंतरिक्ष डोलेगा। और गुरुदेव ने कहा कि वो परिस्थितियाँ आ क्यों रही हैं, ताकि सच्चे प्रज्ञा पुत्रों की परीक्षा हो सके, ये परीक्षा हो सके कि जो साथ चलने की दुहाई देते थे वो कहीं कठिन समय आने पर खोटे सिक्के की तरह से कूड़े के ढेर में जाकर के छिप तो नहीं गए। ये समय इसलिए आया है कि व्यक्ति इस बात की पहचान कर सके कि हम गुरुदेव के साथ कठिन समय में खड़े हो पाते हैं कि नहीं, और जो हो पाते हैं उनका जीवन निहाल हो जाता है। आज भी इस धरती पर वानर को हम लोग भगवान हनुमान के रूप में पूजते हैं, और आज भी इस धरती पर गिलहरी भगवान राम के हाथों का हस्ताक्षर अपने कंधे पर लेकर के घूमती है। वो
जो गुरुदेव की योजना में, भगवान की योजना में हाथ लगा पाते हैं दोस्तों, वो निहाल हो जाते हैं। इतिहास आप उठा करके देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम देते क्या है, इससे फर्क पड़ता है कि हम देते किसको है। आप एक सामान्य व्यक्ति को दें, सड़क पर चलते हो, सड़क पर चलते की थोड़ी सहायता करेंगे तो हो सकता है आपको धन्यवाद दे करके जाने दें। पर यदि हम भगवान की सहायता कर दें, हम प्रधानमंत्री की सहायता कर दें, तो उसके बदले में जो धन्यवाद लौट करके आता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। महाराष्ट्र में आप जाइए, कहानी आती है, पेशवा बाजीराव थे, रास्ता चलते थे, भटक गए, एक गरीब सा लड़का घूम रहा था, गरीब सा लड़का था, उससे उनने पूछा क्यों भैया कहाँ से जाना है, तो उस लड़के ने, कपड़े भी नहीं थे पहनने को, गरीब था बिल्कुल, उसने ला करके उनको सही मार्ग पर छोड़ा। तो पेशवा ने अपने मंत्री से कहा कि भैया ऐसा है मंत्री जी, लड़के ने बड़ी मदद करी, आप थोड़ा कपड़ा फाड़ करके इसे दे दो, कपड़ा फाड़ के इसे दे दो। मंत्री जी बोले आज नहीं है महाराज, जबकि हाथ में कपड़ा था, कल दूंगा। ठीक, अगले दिन राजा साहब ने पूछा क्यों मंत्री जी उनको कपड़ा दे दिया आपने, बोले हाँ दे दिया। क्या दिया? 5 गांव दे दिए महाराज। उनने कहा क्यों 5 गांव क्यों दिए, मैं तो कपड़ा फाड़ने को बोला था। बोले महाराज यदि दिया जा रहा है तो आपके स्टेचोर के बराबर तो दिया जाएगा, राजा दे रहा है तो राजा के बराबर योग्यता का तो देना चाहिए। उसके बाद से उस परिवार का नाम फड़के हो गया, कपड़ा फाड़ करके दिया ना, वो 5 गांव का मालिक उनने बना दिया, तब से वो सरनेम चला फड़के। वो क्यों? क्योंकि कपड़ा फाड़ के दिया था। जब आप जिसको देते हैं वो उसी अनुपात में आपको लौटाते हैं। हमने एक सामान्य व्यक्ति की सहायता करी, वो उसके अनुरूप देते हैं, भगवान की करी तो भगवान अपनी योग्यता के अनुरूप लौटाते हैं। इतिहास हम पढ़ करके देखें, भगवान की सहायता करने के लिए जो गए, जब राजा की सहायता करने वाले को 5 गांव मिल जाते हैं तो भगवान की सहायता करने वाले को क्या मिलता होगा। द्रौपदी का आप इतिहास उठा करके देखिए, द्रौपदी के यहाँ जब संकट आया, दुर्वासा ऋषि आ गए, 60,000 शिष्यों को लेकर के बाहर बैठ गए, क्यों? दुर्योधन के यहाँ गए थे, तो दुर्योधन ने खूब अवगत करी, अच्छे से खाना खिलाया, स्वादिष्ट पौष्टिक व्यंजन खिलाए, और खिलाने के बाद उनने कहा कि आशीर्वाद ने एक ही आशीर्वाद है, क्या? हमारा भाई रहता है युधिष्ठिर, जरा उसके यहाँ पे भी आप खाना खा करके आइए। क्यों? मन में थी कुटिलता। उनने कहा कि दुर्वासा ऋषि को तो क्रोध बहुत आता है, 60,000 शिष्य हैं, बोले यदि वहाँ गए और वहाँ पर इनको खाने को नहीं मिला तो युधिष्ठिर को श्राप दे देंगे। और गए, वो जा कर के बैठ गए, 60,000 शिष्यों को लेकर के बैठ गए, घर में खाने को कुछ नहीं। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और जब भगवान आए तो उल्टा उनने क्या कहा, द्रौपदी खाने को कुछ है? मना कर देती द्रौपदी, कहती कि भगवान पहले ही 60,000 बाहर बैठे हैं, आप और खाने के लिए आ गए। नहीं, उनने कहा कि है, थाली निकाली, 2 दाने पड़े थे अन्न के, 1 दाना भगवान ने खाया और दूसरे दाने पर भगवान ने उंगली रख दी, 1 अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। भगवान ने कहा यही अन्न का दाना तेरे लिए अक्षय पात्र बन जाएगा। भगवान जब देते हैं तो अपनी योग्यता के बराबर देते हैं, 1 अन्न के दाने को अक्षय पात्र बनाने की सामर्थ्य उनके पास। बलि के पास जब आए भगवान परीक्षा के लिए, सबको पता है वामन बन करके आए, और जब आए तो शुक्राचार्य को दिख गए। शुक्राचार्य ने पहले समझाया, बोले अरे भगवान आ गए हैं, 3ों लोक ले जाएंगे। नहीं सुना, वचन दे चुका हूँ, बलि ने कहा अब तो मैं दूंगा। तो शुक्राचार्य ने क्या किया कि जो हम लेते हैं ये संकल्प के लिए, जो कलश की नली होती है उसके अंदर जा करके बैठ गए। उसको बलि ने देख लिया तो उनने घास का तिनका मारा, मारा तो शुक्राचार्य की एक आँख गई, तभी से भार्गव कहलाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि भगवान ने 3 पगों में पूरी दुनिया नाप ली, और बलि ने उसके बाद संन्यास ले लिया, जंगल में तपस्या करने लगे। तो इंद्र जो हैं उनने जाकर के देवगुरु बृहस्पति से पूछा, उनने कहा कि बलि कहाँ है आजकल, क्योंकि इंद्र के अनुरोध पर भगवान ने किया था। तो उनने कहा एक बार मैं जाकर के बलि को अपमानित करना चाहता हूँ। देवगुरु बोले कि ऐसा है, बलि तपस्वी है, बोले उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करो, बोले वो जहाँ है वहीं पर रहन दो। बोले नहीं नहीं मैं जाऊँगा। उनने बताया कि जंगल में तपस्या कर रहे हैं गए। तो इंद्र ने कहा देखा तुमने, बलि से कहा कि मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, मैंने तुम्हारे 3ों लोक छीन लिए। बलि बोले कि नहीं देवराज, 3ों लोक छीने नहीं हैं, 3ों लोक जो हैं वो भगवान मुझसे मांग करके गए। और बोले इसमें खोने वाले सिर्फ तुम हो, पाने वाले मैं और भगवान हैं। क्यों? उनने कहा बताओ। उनने कहा ऐसा इसलिए कि आप सोच के देखो
कि मेरे सामने मांगने के लिए कौन आया? तीनों लोगों का अधिपति। देने के लिए मैंने क्या दिया? तीनों लोग। उससे देने, उससे ज्यादा बड़ा कुछ दिया नहीं जा सकता, उससे ज्यादा बड़ा कोई मांगने वाला नहीं आ सकता। तो बोले, जो मैंने दिया उसका जो मुझे मिलेगा वो तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो मिला वो ये मिला कि भगवान ने बलि से कहा कि आज के बाद से जिंदगी भर मैं तेरी रक्षा करूंगा। इसीलिए जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो हम कहते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। उसके बाद से ये आया कि वो जो रक्षा सूत्र है, भगवान वहां पर खड़े होते हैं कि जहां पर बलि है वहां पर भगवान है। और भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया कि इससे ऊपर की 7 पीढ़ियां और नीचे की 7 पीढ़ियां तुरंत मोक्ष को प्राप्त होंगी। प्रहलाद हुए, विरोचन हुए, बाणासुर हुए, सारे के सारे लोग जो उनके परिवार में आए, 14 पीढ़ियों तक भगवान के आशीर्वाद से हर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो घटना एक युग में एक बार घटती है वो बलि को मिली, इतना पुण्य मिला। और बलि ने कहा कि देखो, लेने वाले में भगवान से बड़ा लेने वाला नहीं, देने में 3 लोग से ज़्यादा देने वाला नहीं, वो मैंने दिया। और जहाँ तक बोले शक्ति और सामर्थ्य की बात है, वो नहीं दिए, अभी भी है। सामने सामने की लड़ाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा बलवान। इंद्र को हटना पड़ा। भगवान जब देते हैं तो जबरदस्त परीक्षा लेकर के देते हैं, और जब देते हैं तो ऐसा देते हैं जो व्यक्ति अपनी कल्पना से भी सोच नहीं सकता। सुदामा को दिया, द्वारिका का अधिपति बनाया। विधाता शिकायत लेकर के पहुंचे, बोले जब ये पैदा होने वाले थे हमने इनके माथे पर लिख दिया था इनको श्री कभी मिल नहीं सकती। भगवान ने उंगली फेरी, कभी का भी हटा दिया। बोले क्या लिखा है, दोबारा पढ़ो, इनको श्री ही मिल सकती है। बोले आज के बाद ये द्वारिका के अधिपति बन गए। भगवान जब देते हैं दोस्तों तो व्यक्ति को वो देते हैं जो उसकी क्षमता और संभावनाओं से ज़्यादा का होता है। हम लोगों को स्मरण दिलाएं कि इस समय में भगवान ने सहयोग के लिए पुकारा है। ये वो समय है जिस समय में गुरुदेव आवाहन कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि आप आकर के साथ खड़े हो सकते हो कि नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। हम लोगों से जाकर के बोले कि आप लोग अपनी अपनी घड़ी में टाइम सेट कर लीजिए, कैलेंडर में डेट मार्क कर लीजिए, अपने अपने घर में जाकर रेफ्रिजरेटर पर चिप्पी चिपका लीजिए, कुर्ते के अंदर गांठ बांध लीजिए। वो समय आ गया है जिसके लिए गुरुदेव ने इतने वर्षों पहले लिखा था। जो गुरुदेव की किताबें हैं वो कागजों का पुलिंदा नहीं है, वो आने वाले समय की सर्वाइवल गाइड है। आप लोगों से बोलिएगा इसलिए आए हैं कि अपनों को चेता सकें। जब प्रलय आई थी तो भगवान मनु ने कहा था कि एक एक जोड़ी को आप बुला करके ले आइए, तो हम तो एक एक जोड़ी को बुलाने के लिए आए हैं कि जिसके पास सामर्थ्य हो वह गुरुदेव की नाव के अंदर आकर के बैठ जाए। ये जो है धरती डोलने वाली है। हम लोगों को ये बताने के लिए आए हैं कि जिसके अंदर हमारी बातें समझ में आती हों वो ये सोच करके आ जाए कि इस समय में अच्छे लोगों को पुकारा जा रहा है। इस समय में उन लोगों को पुकारा जा रहा है जिनको गुरुदेव की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और इस आशय के साथ पुकारा जा रहा है कि भगवान इन्हीं क्षणों के लिए तो अपने उसको सुदर्शन को तानते हैं, इन्हीं क्षणों के लिए तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्य। असंतुलन को दूर करने के लिए भगवान इन्हीं क्षणों में तो आते हैं, और आज से ज़्यादा बढ़कर के असंतुलन कब मिलेगा? पूरी की पूरी मानवता तो विनाश के कगार पर आकर के खड़ी हो गई, जरा सा धक्का लगा नहीं कि राम नाम सत्य होने वाला है। अब ऐसे समय में या तो पूर्ण विनाश होगा या उत्थान की राहें प्रशस्त होंगी। तो हम लोगों को ये याद दिलाने के लिए जा रहे हैं कि इस समय में भगवान ने हम में से हर व्यक्ति को पुकारा है। युद्ध छिड़ जाता है तो सैनिकों को भी युद्ध लड़ने के लिए कहा जाता है, और नहीं तो शांति का समय होता है तो सैनिक भी जो है स्कूल में पढ़ाते नजर आते हैं। ये समय ऐसा है जिस समय में हर व्यक्ति की छुट्टियाँ कैंसिल हो गई हैं, हर व्यक्ति को कहा गया है कि आपको भगवान ने बुलाया है। और ऐसे समय में व्यक्ति दो ही भूमिकाएँ निभा सकता है, या तो व्यक्ति इस समय में भगवान के सहयोगी के रूप में नाम लिखा सकता है, और या फिर बैठ करके देख सकता है। आग लग रही है तो लगे, हमें क्या है, ताली बजाए आदमी। कहीं पर आग लग जाती है तो कुछ लोग जो है बुझाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग आते हैं फ़ोटो खींचते हैं इंस्टाग्राम पर चढ़ाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें कि कल को जब इतिहास लिखा जाए तो हमारी गणना आग बुझाने वालों में लिखी जाए। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा नाम उस तरफ हो जहाँ पर हम आग बुझाने के लिए जुटे थे। और ऐसे समय में उन लोगों से कोई आशा नहीं दोस्तों जो लोग सो रहे हैं,
मैं कहूँगा कि इसी संदेश को हमें लेकर के जाने की आवश्यकता है और लोगों को बताने की आवश्यकता है कि हमारी जितनी गतिविधियाँ हैं, चाहे वो यज्ञ है, चाहे गायत्री है, चाहे व्यक्तित्व परिष्कार है, चाहे योग है, चाहे रचनात्मक आंदोलन है, चाहे संघर्षात्मक है, चाहे प्रचारात्मक, मूल डेस्टिनेशन तो एक ही है कि हम युग को बदलना चाहते हैं। मूल चिंतन तो गुरुदेव ने एक ही दिया कि आज व्यक्ति को अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता जो लोग ऐसे समय में अपने कान के ऊपर ईयर प्लग लगा के बैठे हैं। पर जिसको जागृति, जो जीवंत है, जो मूर्धन्य है, उनसे इन बातों को कहा जा रहा है। मुझे याद है हम लोग छोटे थे तो एक सज्जन आए, वो गुरुदेव से बोलने लगे कि गुरुदेव आपने बहुत गलत किया, ब्राह्मणों के अलावा बाकी लोगों को गायत्री दे दी, महिलाओं को गायत्री का अधिकार दे दिया। गुरुदेव से बोले तो गुरुदेव बोले कि ऐसा कर बेटा, तुझे जो सही लगता है तू वो कर, जो मुझे सही लगता है वो मैं करूँगा। तो लोगों ने कहा कि जब वो चले गए कि गुरुदेव इतने बड़े ज्ञानी हैं आप उनको बताते? गुरुदेव बोले कि नहीं बेटा, जो भटक गया है उसको भटकने दो थोड़ी देर। बोले पागल को नहीं बोलना चाहिए कि पागल है, अपनी बनियान फाड़ना छोड़ करके तेरी शुरू कर देगा। तो वैसे में जो एकदम सो रहे हैं उनको सोने दीजिए, पर जो जागृत हैं उनको जगाने की आवश्यकता है, उनको ये बताने की आवश्यकता है कि इस समय में भगवान महाकाल ने पुकारा है। इस समय में हमें लोगों को ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि ये समय सोने का नहीं। लोगों को याद दिलाए कि ऐसे समय में उनसे क्या मांगा जा रहा है, समय मांगा जा रहा है, श्रम मांगा जा रहा है, अंश मांगा जा रहा है। उन्हें याद दिलाएं कि ऐसे समय में यदि व्यक्ति की सही परीक्षा होती है तो भगवान के सक्षम सहयोगी के रूप में हो पाती। एक केरल के राजा थे दृढ़वत, उनके जीवन की कथा आती है, वाल्मीकि रामायण को सुन रहे थे, उसमें एक कहानी आती है चतुर्दश सहस्राणाम की, भगवान के सामने 14,000 राक्षस आकर के खड़े हो गए। इतना सुनना था कि राजा दृढ़वत ने अपने सेनापति को बुलाया, अरे सेनापति जल्दी से सेना निकालो, भगवान अकेले पड़ गए, 14,000 राक्षस हैं। सेनापति बोले पंडित जी जल्दी से अगली लाइन बोलो आप। बोले नहीं तो ये सच में सेना लेकर के चल देंगे। उनने अगली लाइन बोली कि भगवान ने एक बाण में 14,000 जितने राक्षस थे उन सबका वध कर दिया। तब जाकर उनको शांति मिली कि भगवान अब सुरक्षित है। हमारे हृदय में वो तड़प होने की आवश्यकता है। गुरुदेव अकेले पड़ रहे हैं, ऐसे समय में हम लोग जाकर के नहीं खड़े पड़ सकते? ऐसे समय में उनके सहयोग के लिए क्या हमारी आवश्यकता नहीं? ऐसे समय में क्या हम उनके कंधे से कंधा लगा करके खड़ा नहीं हो सकते? अरे उनके अंदर सामर्थ्य है कि वो अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन उठा सकते हैं, पर हमारी लाठी भी तो भगवान देखना चाहते हैं कि जब पुकारा गया था तो ये अपने घर से लाठी लेकर के आए थे कि नहीं। इस समय में गुरुदेव ये देखने के लिए पुकार रहे हैं कि जिनको पुकारा जा रहा है वो ऐसे समय में अपनी लाठी को लेकर के आते हैं कि नहीं। ये समय इस चीज़ को देखने का है। एक अंतिम कहानी सुना करके बात को समाप्त करूँगा। कहानी आप लोगों को पता है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है भारत में लैला मजनू, लैला मजनू की। तो लैला जो है वो अपने गांव में घूमती थी, उसने देखा कि एक लड़का है, बाल बिखरे हुए हैं, एकदम बिखरे बिखरे बाल हैं, कुर्ता फटा हुआ है, घूम रहा है। उन्हें अपनी नौकरानी से पूछा कि कौन है? बोले अरे राजकुमारी थी लैला। बोले राजकुमारी जी ये जो है मजनू नाम है इसका, आपसे शादी करना चाहता है। तो लैला बोली अब शादी तो नहीं हो सकती, पर ये खाता क्या है? बोले खाने को तो कुछ है नहीं, बेचारा भूखा प्यासा घूमता रहता है। तो लैला बोली इसकी इतनी मदद मैं कर सकती हूँ कि गांव में जितनी भी दुकानें हैं सबसे जाकर के बोल दो कि भाई यदि ये मजनू वहाँ खाने के लिए आए तो इसका खाना जो है पैसा बिल हमारे पास ले आए, मैं चुका दिया करूँगी। ठीक। अगले दिन गांव के लड़कों ने देखा कि वो लड़का जो मारा मारा घूमता था, जिसको कोई पूछता नहीं था, गांव के लोग हंसी उड़ाते थे, उसको दुकानदार बुला बुला के खिला रहे हैं, अरे हमारे यहाँ समोसे खा जा, हमारे यहाँ जलेबी खा जा। उन्होंने कहा क्या हुआ? पता किया तो पता चला कि साहब मजनू का बिल जो है वो लैला पे करने वाली है। उन्होंने कहा अरे वाह ये तो सबसे अच्छा काम है। गाँव के लड़कों ने तुरंत अपने कपड़े फाड़े, बाल जो है एकदम बिगाड़े, सब के सब मजनू बन के घूमने लग गए। अब जब बिल आया तो देखा 25,000 का बिल आ गया। लैला बोली अब 25 रुपये का बिल तो पे कर सकते थे, 25,000 का कौन करेगा? उनने अपनी नौकरानी से कहा कि भैया तू ही इस प्रॉब्लम को जरा सॉल्व करके आ। नौकरानी गई, सारे मजनूओं को बुला लिया, यहाँ आ जाओ, क्या है? लैला का एक्सीडेंट हो गया है। बोले अच्छा, खून की ज़रूरत है, कौन देगा? अब जहाँ देने की बारी आई वहाँ जितने थे वो सब वहाँ से धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हुए। अरे हमारी दादी ने बुलाया है, अरे देखो हमारी नानी का फ़ोन आ गया, अरे देखो नेटवर्क घर में नहीं आ रहा, बाहर अच्छे से आएगा, सब गायब, धीरे धीरे करके सब गायब हो गए। एक एक करके जितने थे सब चले गए, जो असली वाला था वो रह गए।
पत्थर उठाया, छाती पे मारा, खून निकला, कटोरी भर के दिया नौकरानी को, बोले अभी तो इतना ही है, दोबारा आना और ले जाना। उसने मरहम पट्टी करी, बोले उसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ असली वाले की पहचान करनी थी। जो असली वाला है उसकी पहचान का समय आ रहा है। ये समय है जब भगवान पुकार रहे हैं कि ऐसे समय में कौन भगवान के सहयोग के लिए आकर के खड़ा हो पाता है। ऐसे समय में भगवान ये जानना चाहते हैं कि बाकी के कार्य को तो कर पाना संभव है, पर ऐसा कौन है जिसके हृदय में साहस का भाव है, ऐसा कौन है जिसके हृदय में गुरुदेव के कार्य को करने का भाव है। हमें याद है, सभी पुराने लोग बैठे हैं, माओ जी लोगों को तो याद होगा, 86 में गुरुदेव ने गोष्ठी ली, और गोष्ठी में लेते समय में गुरुदेव बोले कि ऐसा था, एक गांव में एक सांड रहा करता था, गांव की बकरियों को डराता था, भेड़ों को डराता था और सबको डराया करता था, और जो गांव की भेड़ बकरियां थी वो डरती थी सांड को देख के। एक दिन जो है गांव में हाथी आ गया। अब जब हाथी आया तो गुरुदेव बोले कि सांड ने क्या किया, सांड ने पूंछ उठाई और कर दिया गोबर। बोले जब बेटा सामने को हाथी आए तो तुम लोग ये मत करना, तुम लोग उस समय में ये बताना कि तुम हमारे बच्चे हो। बोले शेर के घर में कौन पैदा होता है, शेर पैदा होता है, शेर के घर में बकरी पैदा नहीं होती। गुरुदेव बोले एक बार शेर के यहाँ बकरी पैदा हो गई तो बकरी मुँह छुपाए घूमे कि देखो हम शेर के यहाँ पैदा हुए, शेर भी मुँह छुपाए घूमे कि अरे हमारे यहाँ तो बकरी पैदा हो गई। बोले मैं शेर हूँ, गुरुदेव बोले मैं शेर हूँ तो मेरे घर में शेर पैदा होना चाहिए, हम लोगों को गुरुदेव का शेर बनने की आवश्यकता है, और जितने मिले उनको याद दिलाने की आवश्यकता है कि आप सब गुरुदेव के शेर हैं। और ऐसे समय में गुरुदेव हमारी दहाड़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर, कंधे से कंधा लगाकर, गुरुदेव की योजना में हाथ बटाकर कौन चल सकता है। हमारी दृष्टि में युग परिवर्तन का इतना ही अर्थ है कि गुरुदेव ने हमको व्यक्तिगत दृष्टि से पुकारा है, और ये कहकर के पुकारा है कि इस कठिन बेला में उनका साथ देने के लिए कौन आगे आ सकता है। जो आगे आ सके वो गुरुदेव का अपना हो जाता है, और हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि आज के शुभ दिन उसी संकेत को, उसी संदेश को हम लोग लेकर के जाए। इस दोपहर के समय में अनेक लोगों को जाना था, उसके बावजूद आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ इन बातों को सुना, उसके लिए आप सबको बहुत सारा हृदय से धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।